मीठी टिक्किया बना रहे हम रजब की वजह से। मैं कहा हम भी बना ले, रजब में बनती है ना जी। इसको हम थोड़ा इस तरह कांटे से पिक कर लेंगे ताकि ये फूले ना, वैसी बने मस्ता मगर क्रंची। नाम देंगे घर की आज बनेगी। जान गुड़िया जान, प्यारी कितनी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो बस मैंने कहा थोड़ा सा बॉडी को धूप लगाते हैं। मैं शिजादी भी धूप लगा रही हूँ, एंजॉय कर रही हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे भाई धूप लगाने में। ये देखो भाई, माँ बेटी धूप लगा रही हैं या दादो भी धूप लगा रही हैं और ये इंजॉय कर रही हैं। जब से अदरक पड़नी शुरू हुई ना, चाहे हम ये पसंद आने लग गई ना। पहले तो अम्मी को कितना देती थी मैं, इतना था कप, अब इतना हुआ तो इतना हो गया। लेकिन अम्मी पीती हैं। हाँ पी लेते। चलो वो कार तो लगा लिया, देखो गिर जाओगी। कहाँ हो, पिछल ले हो, पिछल ले हो। ये गैजेट एक मंगवाया है जैन ने मेरे लिए, तो देखते हैं ये कैसा काम करता है और आपको दिखाती हूँ इसको खोलकर। और ये हमने लिया है टिकटॉक शॉप से, ये देखें जी। चले जी इसको खोलते हैं पहले और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। ये डिवाइस निकली, ये देखिए इसकी चार्जर है और क्या है इसके अंदर। ओ ये स्टैंड है, मेरे ख्याल से ये इस तरह लगेगा। इसकी छोटी सी बुक निकली है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो है। और फिर मैं आपको इससे वीडियो बना के भी दिखाती हूँ कि ये मेरे फेस के साथ साथ चलता है कि नहीं चलता और वीडियो इसकी कैसी बनती है। चल देखते हैं। अब ये मेरे चेहरे से कनेक्ट हो गया। अब जहाँ भी मैं जाऊँगी ये साथ साथ मेरे गोल गोल घूमेगा। चलें जी अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। और चिकन पुलाव के लिए ये देखें जी, प्याज हमने काट के रखी हुई है और हमने ये देखें जी चूल्हे पे हमने ऑयल रख दिया है। इसमें प्याज को फ्राई करते हैं, देखते हैं सेट होता है कि नहीं। हाँ भाई मेरे कैमरे के हिसाब से चल रहा है, लेट्स सी। चलें जी ये देखें जी, ये प्याज है और ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर। प्याज हमने इसके अंदर डाल दी और इसको अब हम सॉटे करेंगे। ये देखिए थोड़े से गर्म मसाले इसमें डाल रही हूँ, ये और ये थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा जी ये रहा हमारा तेज पत्ता, तो ये दो तेज पत्ता भी इसमें डाल देंगे। ये देखें प्याज ऐसे लाल हो रही है, अभी इसको थोड़ा और लाल करेंगे। लाल मिर्चें भी डालूंगी, लहसुन अदरक भी डालूंगी। ये हमारी चिकन रखी हुई है, ये हमारी प्याज लाल हो रही हैं और ये रही मैं। ये देखें जी ये लाल मिर्चें ना, ये इसमें से 5-6 लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे तो ये भी थोड़ी फ्राई हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी ताकि चावलों का कलर भी फिर बड़ा प्यारा सा आएगा ना, गोल्डन गोल्डन सा। तो अब हम चिकन डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, लहसुन अदरक ये देखो 1 चम्मच और आधा चम्मच, इसको भूनेंगे थोड़ा और डालेंगे थोड़ा सा नमक।
ताकि चिकन में जो है वो टेस्ट आ जाए थोड़ा। चावल का नमक बाद में डालेंगे, अभी हमें सिर्फ चिकन का नमक डाला। तेज़ आंच पे करके ढकना भी रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा गल भी जाए। ठीक है, बर्तन हटा दें, चीज़ें हटा दें, यहाँ से वापस सब चीज़ें रख दें। चीज़ को साथ साथ क्लियर करना चाहिए, पकाते भी जाएं और किचन भी क्लियर करते जाएं। ये ना हो कि किचन आपका फैला हुआ है और आपने ये फैला के रख दिया सारा किचन पकाते हुए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ साथ पकाएं, साथ साथ किचन भी क्लियर करते हैं। चावल भिगोए में पतीली में और जो भी बर्तन खाली हो रहे हैं हाथ के हाथ धो लें तो वो भी किचन क्लियर ही रहता है। पकाते हुए अगर आप धोते जाए ना बर्तन तो आपको मसला ही नहीं होता। चलो मैं जब तक ये धोती हूँ फिर आपसे लेती हूँ। ये देखें जी, शेफ साहब सामान पर सामान भर रहे हैं घर का, सब रोटियाँ अंडे ये सब लेकर आए हैं। अब ये धनिया है जो हम इसमें डाल रहे हैं, देखें तकरीबन भर के 2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया। और ये हमने थोड़ा सा अदरक काट के रखा हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो हम भूनेंगे थोड़ा धनिया को भी अच्छी तरह से, चिकन के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन को, धनिया को, नमक को, गर्म मसालों को, लहसुन अदरक को, ये अच्छी तरह से भून जाए। फिर हम इसमें डालेंगे पानी और जब इसमें खदक आ जाएगी तो फिर जब हमारा होगा कि हम खाना खाएंगे उसी वक्त बस चावल डालेंगे और 15-20 मिनट में रेडी पुलाव। फिर आपको रेडी करके भी दिखाएंगे। जितना भी दूर चली जाऊँ ये मुझे कैच कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आया बहुत, मैं तो रिकमेंड करूँगी भाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कैसा भुना, बिल्कुल ऐसा हो जाओ ब्राउन ब्राउन, भून भून के ना अच्छी तरह से इसको भूनना है तो ही मज़ा आएगा। अब हमने इसमें पानी डालना है जितना भी आपने डालना है चावल के हिसाब से, तो ये एक तो चलेगा नहीं, पानी पानी थोड़ा और डालते हैं, आधा और लिया है मैंने, ये बस। अब इसमें जो खदक आएगी थोड़ा सा पकेगा और उसके बाद हम नमक चेक करेंगे और चावल डालेंगे। इसमें हमने चावल भिगोए हुए थे, इसका पानी हम पूरा निकाल देते हैं। यस, और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं, देखेंगे पानी अगर और डालना है तो फिर हम चावलों के हिसाब से पानी भी डालेंगे इसमें। मुझे लग रहा है थोड़ा सा अच्छा पानी डलेगा इसमें, आधा लिया मैंने, इतना हो ना कि चावल इसके अंदर चले जाए भाई। अब सही है, अब मैं नमक थोड़ा सा डालूंगी, 2 टेबल स्पून इसमें नमक डालूंगा। ठीक है, और चिकन का हमने 1 टेबल स्पून पहले डाल दिया। अब इसको हमने ढक दिया, आँच हमने मीडियम हाई कर दी है, बहुत हाई नहीं करी है। ठीक है, अब इसमें खदक आएगी और फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। और बर्तन धो के उल्टे करके रखती जा रही हूँ, पानी निकल जाएगा। प्याज को बड़ा काटते हैं बारीक बारीक, भगार के लिए बनाना है जब तक चावल भी भूनेंगे, जब तक हमारा भगार भी रेडी हो जाएगा। ये हमने लिया फ्राई पैन, कभी चूल्हा जलाता है घी का भगार होता है ना तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ये हमने डाला 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून। प्याज को अच्छा सा फ्राई करेंगे गोल्डन सा और बिल्कुल एंड में इसको भगार के साथ डाल के और दम पे रख देंगे। अब जब तक ये होगी तो भाई कचरा वचरा तो साफ करें हम, जो भी है किचन साफ रखना भाई। किचन में आप घुसे हैं बस 1 घंटे में सब खाना बना के सब किचन क्लियर करके निकल जाएं, ये होता है तरीका। नमक चेक किया, थोड़ा सा फीका लग रहा है तो आधा टी स्पून और डाल देते हैं। थोड़ा सा प्याज में कहते हैं डाल दो ना तो प्याज जल्दी फ्राई हो जाती है। प्याज हो गई है बिल्कुल तैयार, रेड रेड, ये देखें ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल रेडी हो गई है प्याज। तो हम प्याज का करते हैं चूल्हा बंद और अब पुलाव को देखते हैं भाई ये कितना तैयार हो गया। ये देखें जी, इसका भी पानी तकरीबन हो गया है ख़त्म और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो दम में जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भगार कर देंगे इसके ऊपर। और ये देखो यार, ये साथ साथ हमारे साथ पकवा रही है क्योंकि इसके पसंद का पुलाव बन रहा है ना आज, इसलिए पुलाव बनवा रही मेरे साथ। ये देखें, अब ये भगार हमने ऐसे करके पूरा कर दिया, प्याज पूरी डाल दी, इसको हमने थोड़ा यूँ कर दिया, थोड़ा नीचे से कर दिया ताकि नीचे तक भी चला जाए।
ये देखिए जी, हम डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा ऊपर से खुशबू के लिए, और बस अब ये जाएगा दम पर। कलर हम नहीं डाल रहे ज़्यादा, ऐसे ही सबको पसंद आता है प्लेन, वैसे कलर और वो डाल सकते हैं आप। केवड़ा, केवड़ा मैं भी डालती हूँ थोड़ी देर में, कलर मैं सोचती हूँ डालूँ, ऐसे ही रखती हूँ। तो फिर आपको जब रेडी होगा फिर आपको दिखाते हैं। हमारी शहजादी आ गई, ये देखें भाई, ये किचन में खली हुई हमारी शहजादी, दादू का कर ली है, दादू का खाना बना ली है, दादू पुलाव बना ली है। ये कौन है, ये कौन है? अच्छा जी, अब पुलाव के साथ बन रहा है खीर। ये देखें दी, चावल भिगो के रखे हैं मैंने खीर के लिए, और ये थोड़े से काजू और थोड़े से चावल अलग से 2 टेबलस्पून ये भी भिगो के रखे हुए हैं। तो आज हम कैरमल खीर बनाएंगे, तो चल आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, ये थोड़े से चावल मैंने भिगो के रखे थे ना खीर के लिए, तो मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर रही हूँ, थोड़ा सा गुर गुर, बस दैट्स इट। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, कैसी, ये भी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ भाई कुकर में तो खीर, लेकिन देखते हैं कैसी बनती है। ये बन किया हमने, ये हमारे चावल थोड़े से ग्राइंड हो गए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मगर एक चावल के 3 हिस्से जैसे, ये ठीक है, ये हमने धो के रख दिया। साथ साथ ही काम करते जाओ भाई, ये देखिए सब हो गया, मशीन गई वापस अपनी जगह पे। और अब हमने चावल को थोड़ा सा, चलो 2 सीटी दे देते हैं ताकि बिल्कुल गल जाए इस पानी में। चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये गल जाएंगे उसके बाद क्या करना है। हमने इसके काजू और थोड़े से चावल 1 टेबलस्पून इसके अंदर भिगोए थे हमने, थोड़े से काजू, और ये इसको हमने बारीक पीसना है, इसको बारीक पीसना है। ये देखें बादाम और पिस्ते निकाले हैं, इनको बारीक बारीक काटते हैं, और बस ये खीर में डलेंगे, और बाकी जब खीर गलेगी इसके बाद दिखाऊंगी दूध किस वक्त डलेगा और फिर कैरमल किस वक्त बनेगा, देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ कुकर के अंदर, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, देखते हैं तजर्बा कैसा रहता है कुकर में खीर बनाने का। इंस्टेंट खीर बन जाए ना, देर ना लगे। ये देखें हमारी मीठी टिक्कियाँ जो हमने कल बनाई थी, रेसिपी तो नहीं दी थी लेकिन हमने बस दिखा दिया था कि कैसे हमने फ्राई की हैं, और फ्राई होने के बाद फिर हमने ठंडी की और फिर हमने इस डिब्बे में भर के रख दी, और कल से अभी तक मेरे ख्याल से आधी तो खाली गई हैं, इतने मज़े की बनी है। तो अब हम खीर बना रहे हैं ताकि पूरे ही रजब की नियाज हो जाए। यहाँ खड़े होके कार्टून देख रही है, ये देखें पुलाव भी बन रहा है, खीर भी बन रही है, और साथ साथ हमने ये कल चपली कबाब का मसाला भी बना के रख दिया, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं किया। चलें बताएं अगर आप लोगों को सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं चपली कबाब भी आपको सिखाती हूँ। तो अभी तो फिलहाल ये बना हुआ है, तो अभी हम फ्राई कर रहे हैं, पाचें देख लें, और अगर आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा कमेंट में, तो फिर मैं आपको उसको दोबारा से रेसिपी पूरी बना के फिर पूरी दिखाएंगे, ठीक है। और अभी वाले बना रही हूँ चपली कबाब, ये देखें हाथ से इसको ज़रा सा पानी लगा के, और ये गया, उसके बाद उसको थोड़ा सा लंबे की तरफ हमने पतला कर लिया, क्योंकि पतला से हमें करना ताकि कीमा गल भी जाए ना। ये पेशावर में ऐसे लंबे लंबे मिलते हैं ना ऐसे, हथेली के बराबर आपने कर दिया, हथेली के बराबर, और ये डाल दिया। रेडी हो गया, और मैंने आपसे कहा था आपको दिखाऊंगी, तभी ऊपर नीचे करते हैं पुलाव को और देखते हैं कैसा बना है। ये देखें धुआं ले लें आप लोग, थोड़ा सा दम आ गया, और अब मैं इसको ऊपर नीचे कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखें कैसा एक एक दाना अलग हो, ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सी प्लेट तैयार हो गई है सारी चीज़ों के साथ। ये मैं कबाब फ्राई कर करके निकाल रही हूँ, और यहाँ देखें हमारी शहजादी क्या कर रही है। ये देखें वैक्यूम क्लीनर की हवा ले रही है और बहुत इंजॉय करती है ये। अच्छा जी, ये देखें इधर खीर पक रही है, और इधर ये पिस्ते बादाम और दूध के अंदर थोड़ा ज़ाफ़रान, और ये है इलायची पाउडर विद मेवा ग्रैंड वावा मैं रखती हूँ, ये सब चीज़ें अभी खीर में जाएंगी। और ये 1 लीटर दूध इसमें डाल दिया मैंने चावलों में, और इसको बॉईल करने के लिए रखा है, अभी ये पकेगा पकेगा एग्जाम होगा। और इसमें जो हमने पीसा था काजू और दूध को मिलाकर, चावल को मिलाकर,
वो हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हम पकाएंगे और फिर हम केसर वाला दूध भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, देखें इसको पकते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं चीनी की जगह ये है कंडेंस मिल्क ये यूज़ कर रही हूँ। अभी देखें कंडेंस मिल्क मिला के भी 5 मिनट के लिए पकाया है, और उसके बाद मैं आपके थोड़े से पिस्ते बादाम डाल रही हूँ जिसके अंदर डलेंगे, बाकी ऊपर से डलेंगे। अब दूसरे फ्राई पैन में आपने ये देखें 1 टेबल स्पून घी या मक्खन जो भी आपका जूसा आप ले लें, और उसके अंदर आपने ये आधा कप चीनी डाल देंगे और इसको हल्की आंच पे आपने बनाना है, बिल्कुल हल्की। ये देखें हमारी शुगर नॉर्मल तक बन गई है, देखें ब्राउन हो गई है, रेडी हो गई है, बस अब हम इसे खीर में डालेंगे। ये देखें यह है खीर, और अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स 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 करते रहेंगे और फिर पिस्ते बादाम डाल के ये रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, हमारी खीर भी न्यास के लिए रेडी हो गई और खाना भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।